प्रलय आ गया प्रभु, क्या शिव का तांडव नृत्य प्रारंभ हो गया है। ये कौन दुष्ट हंस रहा है? सामने आओ, हम अभी तुझे श्राप दे के भस्म कर देंगे। आप मुझे श्राप नहीं दे सकते गुरुजी, आपका श्राप मुझे नहीं लगेगा गुरुजी। गुरुजी कौन है ये? सामने क्यों नहीं आता? मैं सामने आऊंगा, अवश्य आऊंगा गुरुजी। ऋषिवर, मुझे लगता है ये कोई मायावी राक्षस है। हाँ, जो बालक का रूप लेकर हमारे यहाँ उत्पात मचाने आया है। कहीं ये रावण तो नहीं? रावण? कहीं उसकी तपस्या सिद्ध तो नहीं हो गई? आप इतने ज्ञानी ध्यानी तपस्वी हैं, फिर भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सके? कि हनुमान आपके आश्रम में धूम मचाता हुआ आया है। हनुमान, तुम आप सब आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव, आप मुझे विद्या सिखाएंगे ना? तो क्या तब से ये सब उत्पात तुम कर रहे थे हनुमान? कैसा उत्पात गुरुदेव? देख रहे हैं ऋषिवर, ये जानकर भी कितना अनजान बन रहा है। अनजान हूँ इसीलिए तो आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। आप मुझे ज्ञान देंगे ना गुरुदेव? हनुमान, तुम वानर राज केसरी के सुपुत्र हो, तुमने देवताओं से कई कई वरदान पाए हैं, तुम भगवान रुद्र के अंशावतार भी हो। गुरुदेव, जब आप समझ रहे हैं कि ये सब उत्पात मैंने किया है, तो फिर आप मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वत्स, ये सब उत्पात तुम पर शोभा नहीं देते। जानते हो आश्रम में इस तरह से उतल पुतल मचाने से हमें कितना कष्ट होता है, कितनी हानि होती है। हमें फिर से व्यवस्थित होने में अब जाने कितना समय लगेगा। बालक, तुझे अपनी शक्ति और श्रेष्ठता पर इतना ही अभिमान है तो उस राक्षस रावण की तपोभूमि नष्ट क्यों नहीं करता, जो वरदान पाते ही हम सब ऋषि मुनियों पर टूट पड़ेगा। तू अपने इस उत्पात का प्रयोग वहां क्यों नहीं करता? गुरुदेव, मैं एक बार उधर जा चुका हूँ, मैंने रावण की तपस्या भंग भी कर दी है, अब वो नए सिरे से तपस्या प्रारंभ कर रहा है। अब वो दुगने उत्साह से तपस्या कर रहा है, अब उसकी तपस्या सिद्ध होने को है। यदि हम ऋषियों की भलाई चाहता है तो जा और जाकर वहां अपना चमत्कार दिखा। जा क्या गुरुदेव? आयुष्मान भव। प्रसीद ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। कौन है वो दुष्ट? मैं उसे कच्चा ही खा जाऊंगी। खाने से पहले तेरे दांत तोड़ दिए जाएंगे। तुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। दुष्ट मैं नहीं, दुष्ट तुम हो राक्षसों। आज मैं तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का दंड देने आया हूँ। मायावी वानर, तू क्या हमें दंड देगा? आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। मैं
तुम्हें मारने नहीं, सिर्फ दंड देने आया हूँ। तुम्हारी तपस्या को नष्ट भ्रष्ट करने आया हूँ। इसलिए? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वरदान पाकर तुम तुम्हारी शक्तियों का दुरुपयोग करोगे और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करोगे, इसलिए मैं तुम्हें दंड देने आया हूँ। तात, 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 यही है वो वानर कुबेर का दूत और यही है वो कुबेर की दी हुई गदा। तात, आप देख रहे हैं ना, कुबेर के दुष्ट दूत अब तो सुमाली के प्रहार से नहीं बच पाएगा। प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती भवा। धन्य भाग हमारे जो आपने हमारा घर आंगन पावन किया। ऋषिवर, क्या हमारे हनुमान को आश्रम में छोड़ आए हैं? वानर महारानी, ऐसे उत्पाती बालक को संभाल पाना हमारे वश में नहीं। उसने आश्रमों की वो दुर्दशा की है महारानी, जैसे कोई दुष्ट राक्षस भी नहीं करता। हाँ महारानी, उसने आश्रम में सब कुछ तोड़ फोड़ के रख दिया। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर आप? महाराज, हनुमान देवताओं से प्राप्त शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो निर्दयता से ऋषि मुनियों के साथ खिलवाड़ करता है और हमारे धर्म कार्यों को बाधित करता है। आप जैसा धर्मात्मा और धर्म रक्षक पुरुष का सुपुत्र ये सब कैसे कर रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं, कहीं आपको भ्रम तो नहीं हुआ? मेरे हनुमान का रूप धारण करके कोई दुष्ट शक्ति आपको? हमारा विश्वास कीजिए महारानी, हम असत्य कभी नहीं कहेंगे। सच तो यह है कि हम अब तक बालक समझ के उसे क्षमा करते आ रहे हैं, परंतु अब तो उसने हमारा जीवन दुभर कर दिया है। आपके सम्मुख अपना दुख व्यक्त करने के सिवाय हम कर भी क्या सकते हैं महाराज? इस समय कहाँ है हनुमान? हम तो समझे थे कि वानर कुमार यही होंगे। ऋषिवर, हनुमान को अबोध बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं उसे ऐसा दंड दूंगी कि वो ऐसी दुष्टता करने का साहस कभी नहीं करेगा। ऋषिवर, हम महामंत्री जी से कह करके आपके आश्रमों का निर्माण फिर से करवाएंगे। आप निश्चिंत रहें ऋषिवर, अब हनुमान ऐसी उदंडता कदापि नहीं करेगा। आपसे आश्वासन पाकर हम निश्चिंत हुए देवी। ये न समझिए महारानी कि हम वानर कुमार हनुमान से स्नेह नहीं करते, वो तो हम सबका लाडला है, प्रतिभावान है, ज्ञानवान है, परंतु यदि महाराज महारानी सब समझते हैं ऋषिवर, अब और कुछ कहना उचित नहीं। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा है ऋषिवर। सदा खुशी रहो।